जबलपुर के होटल वेलकम में हुए धमाके में युवती की मौत हो गई। 7 लोग झुलस गए, इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जबलपुर नागपुर रोड में तिलवाड़ा पुल के पास बने इस होटल का उद्घाटन अभी बाकी है। शनिवार को कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। शाम 4 बजे होटल के सेकंड फ्लोर पर तेज धमाका हुआ। घटना में जागृति नाम की युवती की मौत हो गई। ARB प्राइवेट लिमिटेड ने इस होटल की बिल्डिंग को बनाया है। SDM पंकज मिश्रा ने बताया कि किचन में ब्लास्ट हुआ है। फायर के लिए लगाई गई पाइपलाइन या फिर वहां रखे सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट होने की आशंका है। ये वेलकम ग्रुप का जो ITC होटल बन रहा है, उसको लगभग निर्माणाधीन उसका शुभारंभ करने वाले थे। तो टेस्टिंग के दौर में चल रहा था, किचन में कुछ LPG पाइपलाइन के उन्होंने सिस्टम उस दौरान गैस का लीकेज हुआ है और जो प्राथमिक सूचना उसका मिलता है उस लीकेज होने की वजह से किचन की जो छत है वो कोलैप्स हुई है। इस दुर्घटना में 8 लोगों का भी घायल हुए हैं, जो 30-40% तक बढ़ रहे हैं और एक महिला की मृत्यु। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सुविधा हुई है। अभी मौके से SP साहब में दोनों देख के वहाँ तो मलबा हटाने की कार्रवाई हमने SDRF के सहयोग से चालू कर दी है। बाकी भी जो कानून के तहत हैं विशेषज्ञों के माध्यम से करा जो भी अपडेट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।